भाजपा मंडल सुसनेर की जनाशीर्वाद यात्रा को लेकर बैठक संपन्न। सुसनेर भारतीय जनता पार्टी मंडल सुसनेर में प्रस्तावित जनाशीर्वाद यात्रा को लेकर सुसनेर मंडल की बैठक का आयोजन स्थानीय सुमन मैरिज गार्डन में गुरुवार को दोपहर 1 बजे किया गया। बैठक में भाजपा मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलेरिया, जनाशीर्वाद यात्रा संयोजक लक्ष्मण सिंह कांवल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 11 सितंबर को आ रही जनाशीर्वाद यात्रा के स्वागत एवं तैयारियों को लेकर रूपरेखा बनाई। इस अवसर पर भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ पूर्व मंडल अध्यक्ष विष्णु भावसार, भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष मोहन कानुलिया, पूर्व किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष राधेश्याम सूर्यवंशी, देवकरण मीना, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष संतोष चौधरी, सैनिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक सीताराम परमार, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष कालू सिंह चौहान नाहरखेड़ा, युवा मोर्चा जिला मंत्री लखन सेन, आईटी जिला प्रभारी केशव शास्त्री एवं रवि टेलर, किसान मोर्चा जिला महामंत्री गोविंद माली सहित मंडल में निवासरत भाजपा पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मोर्चा प्रकोष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र के संयोजक, सह संयोजक, मतदान केंद्र के अध्यक्ष एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा मंडल महामंत्री पवन शर्मा ने किया एवं आभार कमल गर्ग ने माना। राजेश भावसार, दैनिक पीथ्यान पत्रिका, रिपोर्टर सोयत कलाम। भी अगर कोई परिवर्तन एंड टाइम पे होगा। 11 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा जो पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है उसको लेकर के हमारे सुसनेर मंडल ने भी 11 तारीख को जिसका रूट है बड़ौद, बड़ौद से बीजानगरी और बीजानगरी से हमारे सुसनेर मंडल के गांव उमरिया में आएगी। यहाँ से हमारे भाजपा के सभी जन ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि हम सब उनका स्वागत करके हमारे सुसनेर मंडल में लाएंगे और 6:30 बजे शाम का समय है। यात्रा का रूट रहेगा विजयनगरी से सुसनेर आएगी और हमारा मऊवी दरवाजा से लेकर के हाथी दरवाजा और नगर के बीच में इनका हमारा जो सभा का स्थान है वो है हमारा पंडित दीनदयाल चौक। यहाँ पर पे रथ सभा रहेगी, इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के एवं सभी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि सभी बढ़ चढ़ करके इस यात्रा में भाग ले और इस यात्रा का एक भव्य रूप दे और यहाँ से फिर हमको आमला चौराहे तक यात्रा के साथ चलना है। यहाँ से यात्रा नलखेड़ा जाएगी, रात्रि में विश्राम नलखेड़ा रहेगा।